Assalamualaikum guys, I hope कि आप सभी ठीक होंगे. Welcome back to another vlog. तो आज हम आए बेमना सहेब भाई से मिलने, तो देखते हैं वहाँ पर होंगे वो या नहीं. ये रहा उनका घर, तो देखते हैं वहाँ पर होंगे या नहीं, या अगर उनके पापा ही होंगे उन्हीं से मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं. सो गाइज, यहाँ पे मैं अंदर बैठा था, ये तो भाई मिलने के लिए आए. आपका नाम क्या है भाई? मुहज़्ज़िब. ज़ीशान उस छोटू का. चलो जी, ये भाई मिलने के लिए आए, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके. ठीक है, तो फिलहाल इन लोगों ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट किया. पता नहीं मुझे कब से, कितना टाइम हुआ करते हुए? टाइम हो गया एक दो महीने. आई होप ये अच्छे ही व्लॉग्स बनाते होंगे. अगर अच्छे नहीं बनाते तो आगे आगे मेहनत करेंगे, अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे. बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट दिखाना है, इसको बहुत ज्यादा प्यार देना है, एंड ये भी आगे बढ़ेगा, एंड ये भी बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएगा, एंड इसके साथ ये पार्टनर भी, एंड वो भी है. और बाकी ठीक हो? बस. सो गाइस, अभी हम सहेब व्लॉग से मिलने गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्यार दिया, बताया चाय वाय पिए वगैरह, तो वो बहुत अच्छे है. और अभी हम जा रहे हैं एक्स पार्क, उसका नाम क्या, एक्स पार्क ही है नाम. और मेरे साथ है मेरे दो दोस्त, इसका नाम है ज़ीशान भाई, तो इसका नाम है इरफान, इसको आप जानते ही होंगे. तो अभी हम जाते हैं एक्स पार्क, और आज फ्राइडे भी है, तो नमाज वमाज पढ़ेंगे वहीं से, तो फिर देखते हैं क्या बनता है. तो अभी हम पहुंचे इस पार्क में, ये बहुत अच्छी पार्क है, आप देखिए कुछ व्यू यहाँ का. और मैं ऐसे एक ये व्लॉग इसलिए डालता हूँ रैंडम व्लॉग्स, क्योंकि अगर हम कोई कंटेंट रखते हैं, जैसे कि ब्लॉगर से मिला, यूट्यूबर से मिला, कंटेंट भी नहीं निकलता है उससे, मतलब कंटेंट भी ढूंढना पड़ता है कहाँ जाएं. अगर ऐसे दिखाएंगे लाइफ स्टाइल तो वो बेहतर रहेगा. और अभी नमाज भी पढ़ेंगे, तो आप बने रहे और कुछ सिनेमैटिक शॉट भी एन्जॉय कीजिए आप. कुछ देर यहाँ पर मैच खेलते हैं, फिर जाता है नमाज पढ़ने, फिर देखते हैं क्या बनता है. तो टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए. पार्क के बाद डायरेक्ट आ गया मैं घर, और नमाज वगैरह पढ़ ली, और क्रिकेट भी खेला वहाँ पर. खेल रहे थे कोई भाई, उन्होंने बोला कि आ जाओ हमारे साथ खेलो, तो वहाँ पर भी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए, और टाइम लैप्स भी लिए. और तो इधर वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं बताया था. मैं बता रहा था खुद का कॉन्टेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं व्लॉगरों के पास जाता था, बीच बीच में क्या होता था वो उधर नहीं होते थे, तो व्लॉग कैंसिल करना पड़ता था और नए से व्लॉग अगले दिन या दूसरे दिन बनाना पड़ता था व्लॉग. तो बाकी आप सुने और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना भूलेगा. ये व्लॉग थोड़ा छोटा ही बना, और हाँ वो व्लॉग मैं डालूँगा जो कल मैंने शूट किया. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और अस्सलाम वालेकुम.